अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दिल्ली से शुरू हुए एसएससी एग्जाम में हुई धांधली के खिलाफ विरोध के सुर अब कई शहरों में उठते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी एक वानगी वाराणसी में भी देखने को मिली, जहां पर आक्रोशित छात्रों ने पीएम मोदी के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही परीक्षाओं में परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो रहे हैं। धरना प्रदर्शन ये एसएससी स्कैम के बारे में जो है कि हम लोग अरे जो है कि धरना दे रहे हैं और उसमें जो है कि इतनी बड़ी जो है कि स्कैम चल रहे हैं कि कहने के बाद में 30-30 लाख रुपये 35-35 लाख रुपये में जो है कि सीटें जो है बेच दी जा रही है। ठीक है, एक एक सेंटर से जो है कि कहाँ और 8,000 जो है कि विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं, क्या है ऑफलाइन में भी धांधली ऑनलाइन में भी धांधली, ये किस तरह की व्यवस्था। फिलहाल प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले एसएससी स्कैम में शामिल दोषियों पर कार्रवाई करने और सीबीआई जांच की मांग की है। न्यूज़ ब्यूरो।